हाँ जी भाई, राम राम, क्या हाल चाल? सुनाओ सारे मेरे भाई, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो ओ भगवान, ओम बोले बाबा। तो भाई कल से मेरे बहुत से भाइयों के मैसेज आ रहे थे वाली वीडियो में, भी अपनी अकाउंट में भी छोड़ दूंगा कि कल लड़ाई हुई। और मैं हमेशा ही आप चीज़ों को, आप भाइयों को एक चीज़ बोलता हूँ कि लड़ाई का मुँह हमेशा से ही काला रहा है भाइयों, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लड़ाई बड़ाई में कुछ नहीं रखा। और लड़ाई करो तो ऐसी करो कि उसे हम अपने ऊपर करें कि ठीक है, उतना करें कि जितना हम उसे आगे सह सके। ऐसा नहीं होगा कि मुझे मेरे गुजर समाज ने कोई बेल्ट दे दी कि नितिन तू जा वहाँ पे जा और किसी को भी मार, और बाद में कोई होगा तो हम तेरे साथ आ जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। समाज के लिए हमेशा अच्छा काम करो ताकि दो लोग आपकी हमेशा तारीफ करें, अच्छे से मिले, मेरा ये कहने का मतलब है। और कल से मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है ये मुझे टारगेट कर रहे हैं उस चीज़ में बोल के दोगला। तो भाई मैं जिसके साथ आऊँगा तो खुल के आऊँगा। मेरा पहला कल भी मोटिव ये था कि लड़ाई ना हो, और आज भी ये है लड़ाई ना हो। और अगर किसी तीसरे बंदे की में कोई चुल मचरी हो तो कोई अच्छा बंदा हो वो मेरा नाम ले दे, कुछ मेरे लिए उल्टा बोल के वीडियो बना दे, मुझे गाली दे दे, फिर मैं उसे बताऊँगा मैं एक्चुअल में हूँ क्या। मैं एक चीज़ और अभी क्लियर करूँ, मैं एल्विश के मैटर में भी गया था, मैंने वहाँ पे भी कोई वीडियो नहीं डाली, कोई अपने इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी नहीं डाली, कोई पोस्ट नहीं डाली, क्योंकि वहाँ भी मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट किसी रीजन से वहाँ मुझे जाना पड़ा। ठीक है, तो लड़ाई अपनी अपने तक रखो। कोई ऐसा काम मत करो कि आगे जाके कल को जो हमारे छोटे बड़े भाई सारे वीडियो देख रहे हैं उसमें कुछ गलत उन पर इम्पैक्ट पड़े। मेरा भी छोटा भाई है भाई, आप लोगों के भी छोटे भाई हो, मेरे ही भाई, और गाली गलौज जो हो रही है वो हमारे घर में सब लोग देख रहे हैं उसे, तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी, कल भी मेरा एक यही मतलब था कि लड़ाई ना हो, कॉन्ट्रोवर्सी ये कोई ना हो, खत्म हो। ठीक है, यहाँ से हुई यहाँ से हुई, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कैसे भी खत्म हो, बस ये लड़ाई खत्म हो जाए। मेरा कल इतना था, और मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ भाई, क्योंकि एक सीधा सा और सिंपल सा उसूल है, ना किसी को उल्टा बोलो और ना किसी से उल्टा सुनो। क्योंकि अगर मैं किसी को उल्टा बोल रहा हूँ तो इतना मुझ में दम होना चाहिए कि मैं उल्टा अपने लिए सुनूं, और मैं उल्टा अपने लिए नहीं सुन सकता। चाहे मुझे, मैंने एक चीज़ और आपको बोली थी कि मेरा ये नेचर है इंटरनली कि अगर मुझे कोई आदमी कुछ बोलेगा तो वो मेरे दिमाग में बात चुभती रहेगी उस आदमी की, जब तक मैं अपने दिल की सीना कर लूँ। रात को जब मैं सोता हूँ तो मैं अपने आप से पूछता हूँ शांति से सो कत, बस शांति बनी रहनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब आप लोगों से ये है बस, लड़ाई में भाइयों कम्युनिटी को मतलब कतई भी। हमने जैसे सुबह मेरे पास एक कॉल आई, मैं आपको कॉल का बताता हूँ कि भाई आप ऐसे ऐसे राजपूत और जाटों को सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा भाई पहली बात मेरे दोस्त हैं और भाईचारा है, प्यार है, समझ गए, मैंने उनसे दोस्ती उनकी जाति पूछ के नहीं करी, और हम लड़ाई लड़ रहा है वो तो अपने दम पे लड़ रहे हैं, ये मेरे उनसे वर्ड्स थे। मैंने कहा अगर कल को मैं हमारे पास 10 लड़के आएंगे ना तो उनसे हम ये नहीं पूछेंगे भैया पहले तुम अपनी जाति बताओ, अगर तुम गुजर हो तो तुम ही बैठोगे, तुम जाट हो तुम नहीं बैठोगे, तुम पंडित हो तुम यहाँ पर बैठोगे, नहीं भाई, साथ बैठते भी हैं, साथ थाली में खाते भी हैं और साथ घूमने जाते भी हैं। अब भी यहाँ पे 10 भाई बैठे पड़े हैं मेरे, ये अलग अलग है सारे। ठीक है, तो भाई काम उतना करो जितना आप आगे सह सको, और अगर कोई किसी के मन में कोई दूसरा बहम मुझे लेके चल रहा हो मैं वीडियो नहीं खेलूंगा कतई भी इस वाली लड़ाई में जो चल रहा है। आप लोगों को बहुत प्यारी और सरल बात, ठीक है जी। और मेरे किसी भाई को कोई मन में सवाल हो तो मेरा जिम है भाई NIT 5 में, आओ मिलो, सामने प्यार से बात करो, प्यार से आप लोग समझोगे, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात ही नहीं होगी। और मेरा एंड तक इसमें ये रहेगा कि लड़ाई ना हो। ठीक है, जब तक पीछे से चल रही है वो पीछे से चलती रहेगी भाई। सबसे मेरा बहुत अच्छा है जितने भी कम्युनिटी के हमारे भाई है ना, चाहे वो जाट हो गुजर हो हमारे, मतलब यार मैं तो कह रहा हूँ पहले हम हिंदू हैं सारे, क्या ये पता नहीं सुबह इतना मूड खराब हुआ वो फोन सुन के कि भाई उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। अरे भाई जब सपोर्ट करूंगा तो खुल के करेंगे, और है जब गलत होगा तो हम है भी, बस अभी अपना मतलब है। ठीक है, दो भाई लड़ रहे हैं आपस में घर में, क्योंकि भाई होते हैं ना भाई, उनमें लड़ाई होती है, पर यह ही नहीं कि थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, समय आने के साथ इसे सॉल्व करा देंगे। और इतनी भी मुझे पता है कि बात कहीं ना कहीं रखी जाएगी अगर हम बोलेंगे तो, अभी इसलिए नहीं बोल रहे कि वहाँ से भी गाली मिली है वहाँ से भी गाली मिली है, तो इसलिए शांत है, करने दो, ना उसको हम दबा सकते भैया तू कुछ मत बोल, ना उसको दबा सकते। और इतना भी अगर दोनों भाई उसे बोलेंगे तो दोनों भाई दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और बात खत्म भी होगी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, जो भाई वीडियो सेट कर करके डाल रहे हैं ये मत डालो, कल को बहुत छोटे छोटे बच्चे भी उन पर बहुत गलत मैसेज जा रहा है इस चीज़ का कि हम तो ऐसे हैं भाई, हमारा तो सीधा सा रूटीन है, सुबह उठे खाया पिया अपना जिम चले गए, ना किसी दूसरे आदमी से बात करनी ना इधर कोई बात करनी। बट जो ये लड़ाई चल रही है उन सुबह भी 2-3 देखे मैंने, वो आपस में ही गाली गलौज कर रहे हैं, और उनकी प्रोफाइल खोल के देखी वो बेचारे 12-13 साल 14-15 साल के बच्चे बस। ठीक है भाई, तो मेरा ये आप सभी को एक प्यारा सा मैसेज था कि
किसी को कोई भाई मेरी तरफ से कोई कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा कोई भी कंट्रोवर्सी हो उसमें तुम्हारा भाई हमेशा से न्यूट्रल रहा है, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि सीधा असूल गलत बोलो ना गलत सुनो, बोलोगे तो सुनोगे भी और किसी को मारोगे तो पिटोगे भी, ठीक है जी। ये वाला असूल अपना जीवन का है तो उतना ही दम रखते हैं जितना अपने में है, जितना दम है उतनी ही बात बोलो और उतना ही करो, और जीवन एक बार मिला यही बोलता हूँ, हंसी खुशी से जियो, बहुत खुशी की बात होती है। मुझे जब मैं अपने समाज के लिए एक मेडल लाता हूँ, चार भाई आके मिलते हैं, तो समाज का नाम अच्छे काम में करो। एक चीज बताओ, जब आप दो पैसे कमा रहे हो उन्हें समाज में दे रहे हो, या कोई आप गाली अगर तो मैं समाज वाला जब मानू भाई अब गाड़ दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो तेरी बहन की और इस समाज से हूँ, ये बोल गो लड़ाई मतलब मलाई मलाई सारी खुद खा लो, अगर दूध फट गया तो समाज आ जा मुझे बचा लो, ये क्या मतलब है भाई, गलत तो नहीं कह रहा भाई कुछ। ये वाला क्या काम है कि मलाई मलाई ऊपर से खाए जाओ, जैसे हमारे पास कोई दिक्कत परेशानी आ रही है वो ठीक है जी, अपना समाज आएगा समाज बचाएगा, रोटी तो मैंने खा ली बर्तन समाज साफ करेगा, पैसे मैं कमा रहा हूँ पर समाज आएगा, समाज वाले भी भाई पता नहीं क्या है भाई लोग सारे ये, अरे प्यार मोहब्बत से रहो भाई, कोई भारत से कोई कब्जा थोड़ी कर रहा है हम पे, आगे दो आदमियों की लड़ाई उसे होती है उसे दो में ही रहने दो, थोड़ा सा ये समझ ही नहीं रहे भाई क्या चल रहा है, मैंने ना कल कुछ डाला ना आज कुछ डाला भाई, उसे प्यार से बात हो रही है फिर भी पब्लिक कमेंट कर करके पोक कर रही है, किसी की मैं अगर कोई दम है तो आपको एड्रेस बता रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ, अभी एक अपने बड़ों के पास जाना है मिलने, वहाँ पे जा रहे हैं तो आप लोगों से अलविदा लेंगे, किसी भाई से कोई गलत बात करी हो तो उससे सॉरी, और किसी भाई को बात अच्छी लगे तो भाई समझ जाओ, बाकी खुश रहो खाते पीते रहो मौज में रहो, लव यू आप सभी को, चले जी।